एक राजा था। वे यह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोला, तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धैर्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। ये तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ है उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो, इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा खिन मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है? सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी सिराहा नहीं गया, हीरों के आकर्षण से वे भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भर रहा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग होगी, परंतु हीरों का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ेंगे। वहाँ सचमुच भगवान खड्डे उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वे मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। सार, जो आत्माएं अपनी मनोर बुद्धि से भगवान पर कुर्बान जाते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वह भगवान के प्रिय बनते हैं।